साई राम टू ऑल। पिछली क्लास के आधार पर, पिछली क्लास हमने पढ़ा था दिन जल्दी जल्दी ढलता है, व्याख्या हो गई थी, प्रश्नोत्तर चर्चा हो गई थी। भाषा और भाव बोध दोनों का डिस्कशन हो गया था। आज हमने कहा था कि हम आगे बढ़ें उससे पहले इस पूरे चैप्टर और कवि के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों के माध्यम से प्रस्तुत होंगे। हम डिपेंड नहीं रहेंगे कि जब हमारे करीबन आधे लेसन हो जाएंगे या फर्स्ट पीरियोडिक तक का काम हो जाएगा तब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। एक-एक चैप्टर को हम इसी तरह से तैयार करेंगे जैसे बोर्ड एग्जाम में आना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन मैंने आपके साथ मिलके आपको कंप्लीट कराया, व्याख्या मेरी ओर से कंप्लीट हो गई, आपकी ओर से भी प्रयास हो गए, लेकिन आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी पाठ के आधार पर या किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन, लेकिन इसी पाठ को ध्यान में रखते हुए आप लोग करेंगे। तो आज की क्लास कोशिश करेंगे कि मैं सिर्फ बीच में कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो मार्गदर्शक के रूप में रहूं, अदरवाइज आज की क्लास आप मिलकर कंडक्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। यदि कुछ प्रेजेंटेशन बनाया हो वेरी गुड, नहीं बनाया है तो आज आप मौखिक रूप से कीजिए और अगली क्लास में आप पूरी तैयारी के साथ रहेंगे। स्टार्ट कीजिए जल्दी से। मोहित करो शुरुआत, फिर उसके बाद अदिति, उसके बाद रितु। मोहित शुरुआत करो जल्दी, क्लास का समय जा रहा है। मैम कुछ सोचना तो पड़ेगा ना, अब मैं डायरेक्ट नहीं कैसे तो ये स्टार्ट करूं। मैंने अभी मैंने एटेंडम नहीं दिया, मैंने पहले से जब फर्स्ट डे क्लास ली थी उस दिन से मैंने कह के रखा है। आज नहीं दिया मैंने, ये पहले ही मैंने आपसे कहा था कि आपको प्रस्तुत करना है। अब आप कितने ध्यान से सुनते हो आई डोंट नो, बट नाउ यू हैव टू डू। निष्क्रिय होके बैठना नहीं है। अदिति रितु जब तक मोहित सोच रहे हैं तब तक आप लोग शुरू कर सकते हैं। यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रेडी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको उनको पूछ सकते हैं क्लास में, अभी पूछिएगा। आपस में डिवाइड करके भी कर सकते थे कि एक स्टूडेंट या दो बच्चे मिलके कवि के ऊपर तैयार करें, दो बच्चे चैप्टर बेस्ड डिस्कशन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार करें, बस इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने दो के नाम लिए हैं ऋतु और अदिति के, इसलिए दोनों आराम में हैं। आज मैंने तो ये निश्चय किया कि मैं अपनी ओर से तो आज कुछ नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का कुछ नहीं, कोई रिवीजन नहीं। और क्योंकि अभी आप लोग घर बैठे हो तो ये भी श्योरिटी नहीं है कि आप लोग नोट्स मेकिंग भी कर रहे हो कि नहीं। नोट्स मेकिंग कौन कौन कर रहा है बताओ जरा, पहले पार्ट के नोट्स बनाए किसी ने? नहीं बनाए तो फिर किस काम की क्लास? अदिति अब एक एक करके बात करूं तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदिति आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है?
अरे तू, आपको आवाज नहीं आ रही? जिसको आवाज नहीं आ रही ना, उसकी अटेंडेंस में मैं 0 डालने वाली हूं आज। अटेंडेंस 0। ऐसी क्लास से कोई मतलब नहीं है कि आप फिजिकली प्रेजेंट है, बट मेंटली आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नो नीड फॉर सच क्लास। हिंदी विषय है, हल्के से लेते रहो आखिर तक, फिर बस कुछ भी करके थोड़े बहुत नंबर जितने आ जाए उतने काफी हैं आपके लिए। आप अगर उसको क्लास के बाद टाइम नहीं दे रहे हो, तो कम से कम क्लास में ध्यान से सुनकर अभी एट रैंडम आप चैप्टर में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकाल सकते हो, यदि ध्यान से सुना होता तो, यदि थोड़े से भी नोट्स बना लिए होते तो। रितु, आप सुन पा रहे हो कि नहीं? रितु, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। वाई नॉट वर्किंग? वाई माइक इज नॉट वर्किंग? प्लीज चेक द नेटवर्क। माइक वर्क कर नहीं रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। कैमरा ऑन है नहीं, माइक वर्क कर नहीं रहा, चैट बॉक्स में लिख नहीं रहे हो, तो फिर मैं क्या करूं बताऊं? मेरा प्रश्न है कि आपने नोट्स मेकिंग किया क्या? एक एक करके बताओ। रितु, नोट्स मेकिंग हुए कवि के बारे में या पाठ के बारे में? थोड़ा बहुत भी कुछ लिखा? ओके, फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डांट का? कब तक हो जाएगा? अब अभी फिर वही ना, फिर ना चाहते नहीं हम स्ट्रिक्ट होना, बट होना पड़ता है। ओके, यू आर गिविंग मी एश्योरेंस दैट यू विल डू इट टुडे। अदिति, यस मैम, मैंने थोड़े लिखे तो हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, बनाए हैं। कंप्लीट कब तक करेंगे? मैम, ये इतनी सी कविता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, बस मेन पॉइंट्स जो है उसके बस वही लिखा है। क्यों, डिस्क्रिप्टिव प्रश्नोत्तर कौन लिखेगा? अभी मैंने डिस्कशन का बोला मल्टीपल चॉइस, बट डिस्क्रिप्टिव के लिए तो आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं ना। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखने हैं, फिर पाठ में किससे बीच में से एपिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पाठ आधारित प्रश्न अभी आपको लिखने हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये मैम, बताइए। इसमें जो डिस्क्रिप्टिव हाँ, दिए हैं वो तो आत्म परिचय के भी हैं, मतलब उसी से ज्यादातर हैं, और उसको वो हटा कविता तो दो। आने नहीं वाली है। तो हाँ, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि लिख लो जितने भी हैं। ठीक है, यस मैम, ओके मोहित। हाँ, कब तक अदिति, कब तक कंप्लीट? मैम इसमें बस 2-3 ही प्रश्न है तो आज हो जाएंगे। ओके मोहित, आज कर लूंगा। आज करना ही है। ठीक है, और कल सुबह तक या कल शाम तक टाइम दे देते हैं, आज कंप्लीट कर लीजिए। पॉसिबल हो तो आज ही व्हाट्सएप पे भेजिए, और आज नहीं तो फिर कल भेजिए। डेडलाइन टिल टुमॉरो। सिर्फ पाठ पर आधारित नहीं, कवि के बारे में भी। ओके
चलो अब इस पाठ पर आप अपने सामने किताब रखकर बैठो। अब अपने मन से आप जल्दी जल्दी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोचो, बनाओ। टेक इनिशिएटिव एंड स्टार्ट। पहले आप कवि के बारे में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ले सकते हैं। आप उसमें अभी ऑप्शन मत दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। कोई भी एक स्टार्ट कर सकता है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा फिर। बट आज ये लास्ट वार्निंग है, अगली क्लास से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज पर भी देखेंगे। यदि हम कोई बात शेयर करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है बस मैम ने भेज दिया और हमने देख लिया। स्टार्टिंग से अगर मेहनत कर लेंगे तो एंड टाइम पे आपको पछताना नहीं पड़ेगा। या हम कहें तो हिंदी के लिए अलग से बहुत टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे सारे चैप्टर अपने आप में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो जल्दी से। कौन कर रहा है? हु इज टेकिंग इनिशिएटिव? एक प्रश्न पूछिए कोई सा भी। एक प्रश्न पूछने में इतनी देर लग रही है। किसी के पास कोई सवाल नहीं है? इसका मतलब ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आया। मोहित, एक भी प्रश्न नहीं बना पा रहे हैं हम। ऋतु का तो माइक वर्क नहीं कर रहा, बट हम लिख सकते हैं क्वेश्चन, हम लिख सकते हैं। अदिति, यदि आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है तो नो क्वेश्चन एट ऑल, जिससे हम बहुविकल्पीय में मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर सके। ओके, चलो आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आपको ऐसे नहीं बोल रहे हो, तो प्लीज किताब सामने रखिए या फिर अपने सिस्टम पर। आप दिन जल्दी जल्दी ढलता है का जो जो पोएम है, जो उसका पीडीएफ है, वो स्टार्ट कीजिए एंड एक्सप्लेन फ्रॉम फर्स्ट लाइन। अदिति स्टार्ट प्लीज, या तो किताब से या जैसे भी, स्टार्ट एक्सप्लेनेशन अगेन। प्लीज डू फास्ट, क्योंकि लगभग 50% टाइम हैज गॉन। इसका पहला अनुच्छेद है, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि कहते हैं कि पंथी जब रास्ते में चलता है तो देर हो ना जाए, देर ना हो जाए कहीं, और दिन ढल ना जाए या उसका अवसर चूक ना जाए, उसकी मंजिल कहीं रह ना जाए, इसलिए सोया हुआ या थका हुआ भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, अब इसी इतना जितना भी अदिति ने बोला इसके आधार पर यदि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोचें तो क्या हो सकता है?
फॉर एग्जाम्पल पथिक की व्याकुलता का क्या कारण है? बताएं मोहित, पथिक की व्याकुलता का क्या कारण है? मैम, पथिक चाहता है कि वो रात होने से जल्द अपने घर पहुंच अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो उसकी व्याकुलता का कारण क्या है? ये ठीक है, वो चाहता है कि वो जल्दी जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। तो व्याकुलता का अगर हम ऐसे समझें, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हिसाब से समझें, अभी आपने जो बताया मैंने आपके आंसर को एक्सेप्ट किया। अब मान के चलो मैं आपको चार ऑप्शन देती हूँ। उसे अपना लक्ष्य पाना है, दूसरा रात होने वाली है, तीसरा लक्ष्य पाना है और समय का अभाव है। अब इन तीन में से कौन सा सही है? लक्ष्य आखिरी पाने या वाला समय का अभाव है। है ना? तो मतलब ये है कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हमें इस चैप्टर को समझना होगा। ये बात भी सही है कि उसे मंजिल पानी है, ये बात भी सही है कि उसको ऐसा लग रहा है कि अब रात हो जाएगी। यहाँ रात हो जाने का क्या मतलब है? अगर मैं आज मैं ये कहूँ कि आपको कल तक इस बात का प्रेजेंटेशन देना है या प्रस्तुत करना है या क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, इसका और आपके मन में ये व्याकुलता है कि मुझे अभी कंप्लीट करना है, रात हो जाएगी। यहाँ रात हो जाने का डर नहीं है, डर है समय के बीत जाने का। एक और प्रश्न क्या हो सकता है कि रात हो जाने से क्या आशय है? दिन ढल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा जिससे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, रात हो जाएगी तो मन में भय और व्याकुलता पैदा होने लगेगी, या फिर समय व्यतीत हो रहा है। तो क्या है आंसर? बताओ। अब इन चार में से अगर चयन करना पड़े तो रात हो जाने का अर्थ क्या है? मैम तीसरा वाला क्या था? मैंने तो क्योंकि बोला है तो मैंने तो इतना सोचा नहीं, बताओ जिसने सुना हो ध्यान मैम से। था ने मतलब था तो यही कि समय बीत रहा है और उसके बीतते समय के साथ मन में व्याकुलता हो रही है। हाँ, मैंने कहा था तीसरा कि रात हो जाएगी, रात होते होते व्याकुलता या भय बढ़ जाएगा। अब चौथा था समय बीत रहा है। तो चारों में से कौन सा ज्यादा सही है? रितु इज राइटिंग, समय बीत रहा है, करेक्ट। क्योंकि कविताएं जब भी होती हैं, कविताएं जो होती हैं उनमें प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। रात का आशय केवल रात से नहीं है, हो सकता है एक साल का समय हो सकता है 2-4 महीने का समय हो, लेकिन यह रात का मतलब है धीरे धीरे समय निकल रहा है। अच्छा, इसी तरह से बताओ, इसमें है पथ, पथ का आशय क्या है? बताओ, पथ मतलब क्या? मैम किसी भी काम को करने की जो शुरू की प्रक्रिया होती है या उससे हुई प्रगति ऐसा कह सकते हैं, मतलब उसका अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो वहाँ तक पहुँचने तक हम जो भी प्रयास करते हैं, जितने भी प्रयत्न करते हैं उससे। यह पथ का आशय है जीवन, आपकी जीवन यात्रा। ऐसा ना हो इस जीवन यात्रा में अवसान का समय आ जाए, रात
रात का समय आ जाए। रात का मतलब समय बीत रहा है, ना जाने कब ये जिंदगी जितनी हम लिखा के लाए थे वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पथ का आशय रास्ता तो है ही, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ है जीवन मार्ग, जीवन पथ। क्लियर? तो इस तरह से पूरी कविता को आपको अपने हिसाब से समझते हुए और गहनता से समझना होगा। आप लोग क्लास 12th में हैं, 6th या 7th में या 5th में नहीं हैं। आपको जो अर्थ दिख रहा है शब्दों को तोड़ने से, शब्दों को समझने से, उसके अलावा प्रत्येक रचना का एक निहितार्थ होता है, यानी उसमें छिपा हुआ निहित अर्थ आपको अपनी व्याख्या से, अपने अंडरस्टैंडिंग से उस अर्थ तक पहुंचना है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने। ठीक है मोहित, आगे की 4 लाइन बोलो। ऋतु अपना माइक चेक करो, क्योंकि देखो कोशिश करके ऋतु, देखो आप बोल पा रहे हो कि नहीं। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक, क्योंकि मोहित के बाद फिर आपका नंबर। अरे तुम माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? जस्ट राइट इन चैट बॉक्स। सिस्टम में प्रॉब्लम है या नेटवर्क प्रॉब्लम है ऋतु? ओके ठीक है मोहित, प्लीज स्टार्ट। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से झांक रहे होंगे, व्यध्यान पर्वों में चिड़ियों चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। एक्सप्लेन। हम यहाँ पे कवि ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। यहाँ पर कवि ने अपने चिड़िया के बच्चों की व्याकुलता को बताया है। कवि यहाँ कहते हैं, जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए जाती है तो बच्चे उसकी आशा में उसका इंतजार कर रहे होते हैं और नीड़ों से झांक रहे होते हैं। और यह सोच सोचकर जो चिड़िया होती है उसकी उसमें उसके परों में चंचलता आती है, यानी वो और तेजी से अपने घर को पहुंचने के लिए चल देती है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास पहुंचा जाए। ओके वेरी गुड। तो प्लीज नोट डाउन, जैसा भी मोहित ने बताया स्टार्टिंग ही वहीं से की। तो एक प्रश्न क्या बनता है अब इसमें कि प्रस्तुत, यानी जैसे आपका दिया कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, या यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, ये पंक्ति दी और पूछा कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। तो अभी मोहित ने आंसर दिया, कौन सा रस है? बात चल रही है। वात्सल्य है, या पूछा कौन सा भाव है तो भी वात्सल्य भाव। ठीक है पहला प्रश्न। दूसरा, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। प्रश्न ये है कि चिड़िया के परों में चंचलता का कारण क्या है? बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, या उसे बच्चों से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा है, या बच्चे भूखे हैं, या बच्चों के प्रति चिड़िया का वात्सल्य या चिड़िया का ममत्व उसे गति प्रदान कर रहा है।
कौन सा उत्तर अधिक उपयुक्त है? चारों ऑप्शन सुनाई दिए, समझ में आए? जल्दी आंसर दो, सही या गलत जो भी आंसर दो, जिससे एक्सप्लेन हो सके आगे, सोचो। और अगर कोई डाउट है तो डिस्कस भी करो, अभी तो डिस्कशन का समय ना, अभी थोड़ी बोर्ड एग्जाम हो रहा है। अदिति बोलो। अदिति आवाज नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है? मैम अब आ रही है? ना आ रही है, बस अब आ रही है। मैम बच्चों के प्रति ममत्व वाला ऑप्शन। क्यों? मैम जो बाकी दो ऑप्शन आपने दिए कि वो भूखे होंगे या बच्चे प्रत्याशा में बैठे होंगे, तो मैम ममत्व है, इसीलिए तो इस बात का इम्पोर्टेंस है कि वो प्रत्याशा में होंगे, इसीलिए मैं मतलब वो जल्दी जाएगी या वो भूखे होंगे, इसीलिए तो उस बात की उसे कद्र होगी, वेरी वरना गुड। वरना दुनिया में पक्षी तो और भी बहुत हैं, हाँ बच्चे तो है ना, दुनिया में बच्चे तो और भी बहुत हैं। हर माता या पिता अपने ही घर की ओर क्यों जाते हैं? अपने ही बच्चों के लिए क्यों जिंदगी भर की कमाई संचित करते हैं? क्योंकि वो ममत्व है, वो वात्सल्य है, अपने बच्चे के प्रति वत्सल प्रेम। दूसरे के बच्चे को भी देखकर हो सकता है, लेकिन अपने बच्चे के प्रति सहज भाव से जो उमड़ता प्रेम है वो। तो अभी ये बात क्लियर है कि क्या यदि बच्चे भूखे नहीं होते तो वो चिड़ियाघर नहीं जाती? प्लीज डिस्कस विद मी, यदि चिड़िया भूखी नहीं होती तो क्या बच्चे घर नहीं जाते? यदि बच्चे नीड़ों से झांक नहीं रहे होते तो क्या चिड़िया घर नहीं जाती? यहाँ ये बताया है ना? यस अदिति हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके, तो यहाँ ये बताने की कोशिश है कि बच्चे अपने माता पिता से मिलने को व्यग्र तो होते ही हैं, माता पिता का भी पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान अपने बच्चों के प्रति रहता है, वो भूखे हों या ना हों, उनके पास भरपेट भोजन रखा हो, अच्छे से सब चीज सारे साधन उनके पास हों, फिर भी शाम होते होते दिन ढलते ढलते माता पिता अपने बच्चों के समीप पहुंचना चाहते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? तो इस तरह से शाब्दिक अर्थ नहीं देखना है, शाब्दिक अर्थ तो सभी को पता होता है, शाब्दिक अर्थ के अलावा जो छिपा हुआ है वो जानना है, उसे समझना है। क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस आएंगे तो डायरेक्ट इजी वाले प्रश्न आपको दिखाई नहीं देंगे। बस यही एक चिंता है जिस वजह से आज की क्लास का आरंभ डांट से हुआ। यदि आप ऐसे मूक श्रोता बने, कैमरा बंद, माइक बंद, सिर्फ मैम की जिम्मेदारी है कि वो आए और पाठ पढ़ाए और चली जाए, मेरी जिम्मेदारी मैं निभा लूंगी अपने तरीके से, ये भी हो जाएगा कि मैं आपको चैप्टर पढ़ाकर चली जाऊं,
लेकिन दिक्कत तब होगी जब आपको एग्जाम में अपियर होना होगा। तो दिस क्लास इज नॉट मीन्ट ओनली फॉर मी। 80% इस क्लास का जो फोकस है, इस क्लास का जो कंसर्न है, इस क्लास का जो पर्पज है, वो आपसे जुड़ा हुआ है। और यदि 80% वाला हिस्सा वीक है तो 20% का तो कोई मतलब ही नहीं बचा फिर। तो अभी फिर से एक बात सुन लीजिए ध्यान से, अगली क्लास में इस पूरे चैप्टर से इवन कभी को भी मिलाकर आप प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद हम अगला पाठ शुरू करेंगे। ओके ठीक है। तो अगली क्लास में, अच्छा ये बताओ अगला पार्ट कौन सा है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बाद पहले कुछ काव्य के कर लेते हैं, फिर गद्य करेंगे। पतंग। अगला पार्ट है पतंग। पतंग रिलेटेड तो नहीं है? एक बार देखना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद पतंग के बाद कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। यस निकुंवर नारायण है ना, मैम। और पतंग आलोक धनवा। यस मैम। तो ठीक है, और गद्य का पहला चैप्टर मैम भक्तिन महादेवी वर्मा। तो आप बताओ क्या शुरू करना चाहेंगे? अगली क्लास में हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे, अगर उसमें हमारे पूरी क्लास निकल गई तो कोई बात नहीं, बट अगला चैप्टर आप क्या चाहते हैं, काव्य ही लें या भक्ति ले लें? मैम गद्य भक्तिन। भक्तिन से शुरू करें। तो इट्स माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि आप महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़कर और समझकर आएंगे। ठीक है, आप कुछ ऐसा, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ बना लिया, कुछ क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन बना लिया है, तो वो भी कर सकते हैं। आपने अपनी वॉइस, अपनी आवाज में कुछ रिकॉर्डिंग बनाया है तो वो भी कर सकते हैं, बट प्लीज डू समथिंग बाय हार्ट। दिल से थोड़ा थोड़ा कुछ करते जाओगे ना बेटा, फिर वो नेवर नेवर एवर वो आपके पास रहेगा, फिर परमानेंट आपका आपकी लर्निंग होगी वो। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है और हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करके आएंगे अगली क्लास में, और महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़कर और समझ कर आएंगे। उसके बाद हम चैप्टर भक्तिन को शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर मत कहिएगा कि टाइम चाहिए सोचने के लिए, अभी इनफ टाइम है अगली क्लास तक के लिए। ठीक, चलो जॉइन योर हैंड्स, शांति पाठ करते हैं। शांति 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 ही, साई राम, साई एंड राम गॉड मैम। ब्लेस यू, साई साई राम राम। मैम।